माय डियर फ्रेंड जो कि रजवाड़े इंडिया न्यूज पे स्वागत मैं करता हूँ परमान रजवाड़े जो कि ग्राम पंचायत पुपुटरा विकासखंड लखनपुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ का सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा गांव में एक और यहां आबादी तकरीबन 4000 से ऊपर है। यहां पर नरवा गुरुआ छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा गरुआ घुरुआ व बारी जो कि ग्राम पंचायत पुपुटरा में अभी हूँ माय डियर फ्रेंड। और यहाँ जो कि पानी पिलाने के लिए भूसा जो कि व्यवस्था किया गया है शासन प्रसाद गांव को जिम्मेदारी, लेकिन अभी एक हफ्ता से पानी आ रहा है लेकिन यहाँ पानी कहाँ जा रहा है दिखाई नहीं दे रहा है, ना भूसा दिखाई दे रहा है ना पानी ना कुछ नहीं। ये आप देख सकते हैं टोली में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इससे चिंता वाली बात है। और उधर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद कैमरा मैन से भी मैं चाहूँगा कि एक नज़र आप इधर दौड़ाइए सर, ये नज़ारा देख लेंगे कैमरा के माध्यम से। ये शेड लगा हुआ है लेकिन 2 साल से शेड लगा है और वो पुराना होकर खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। वहाँ विश्राम गिरी जो अधिकारी आएंगे तो बैठेंगे वहाँ पूछताछ करेंगे जो भी उसका बन रहा है निर्माणाधीन। बगल में जाइए तो सोलर लगा हुआ है जो हैडपम्प लगा है, हैडपम्प के साथ साथ ट्यूबवेल। इसके बाद उधर देखिएगा पौधा लगा हुआ है। इसके बाद उधर बटेर उद्योग लगाएंगे मुर्गी पालन। इसके बाद पशु कैमरा को शॉर्ट करके दिखाएंगे मवेशी जैसे गाय हो गया भैंस हो गया और मवेशी पालन करेंगे तो उसके शेड बना है। लेकिन शेड में तो बना है ठीक है बहुत अच्छा हरियाली भी लग रहा है लेकिन एक भी मवेशी नहीं दिख रहा है माय डियर फ्रेंड। इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब शासन प्रशासन आला अधिकारी जब आते हैं देखने के लिए बड़ा बड़ा अधिकारी तो उस समय 2-4, 5-10 ले आएंगे दिखा देंगे, बाकी खाना पूर्ति कर देंगे, पैरा सैरा सब हो जाता है। हर गाँव की स्थिति है, एक ही गाँव की स्थिति नहीं है माय डियर फ्रेंड। अब मैं पुपुटरा हो गया, सिरकुतंगा हो गया, रजपुरी हो गया, लापटरा हो गया, लेकिन फिर भी नरवा गुरुआ शासन हमारे प्रदेश शासन काफ़ी अथक और बहुत अच्छा महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत तगड़ा काम चल रहा है लेकिन यहाँ पर कभी कलेक्टर लगातार दौरा करके देखते रहते हैं तो ये स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पर न कर्मचारी यहाँ पर आए तो कोई कर्मचारी नहीं है पूछताछ करते, लेकिन कर्मचारी तक भी यहाँ देख रेख चौकीदार तक नहीं है। अब इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं माय डियर फ्रेंड। इसके बाद मैं लगातार ग्राम पंचायत सिरकुतंगा और रजपुरी और लापटरा व आसपास के गाँव का गौठान की स्थिति, सबसे सुंदर और सबसे अव्वल गौठान कौन सा है, वहाँ क्या तहकीकात किया जा रहा है अच्छा, तो यहाँ पर ना बैल दिखाई दे रहा है ना मवेशी दिखाई दे रहा है ना गाय दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शासन द्वारा लाखों करोड़ रुपये फूंक दिया गया लेकिन यहाँ का जो योजना है स्कीम है सक्सेस दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर रहता हरा भरा चारों तरफ से दिख रहा है, बहुत बेहतरीन जगह और ये साइड है तो बहुत ही अच्छा जगह है लेकिन जगह तो यहाँ घूमने के लिए। और पहले दिनों में एक न्यूज माई डियर माई डाला था जब सुनसान रहता था तो यहाँ पर असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पर बहुत सारा बॉटल उटल फेंक देते रहते थे, पानी का भी बाहर से आते हैं और पानी लेकर चले जाते हैं, तो यहाँ पर ना देख रेख करने वाला है कुछ नहीं ग्राम पंचायत पुपुटरा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ का। आप कैमरा में माध्यम से वीडियो को फुटेज देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं माय डियर फ्रेंड कि नरवा गुरुआ जो योजना है प्रदेश सरकार का छत्तीसगढ़ शासन के उसमें कितना आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है क्या स्थिति है, ऐसे स्थिति में क्या होगा। लेकिन हमारे डिप्टी कलेक्टर हो गया, तहसीलदार महोदय हो गए, सीओ साहब हो गए, चाहे सरगुजा संभाग का कलेक्टर महोदय भी लगातार हर गौठान सरगुजा संभाग के लगातार कसावट के साथ काम कार्यान्वित करते रहते हैं तगड़ा, लेकिन यहाँ पर वो तगड़ा बाद में आते हैं जब देखते हैं, देख जाने के बाद फिर ठंडा बस्ता हो जाता है। तो ये तमाम तरह के तो मेरा पब्लिक के परमान रजवाड़े और मेरा यूट्यूब परमान यूट्यूब के अंदर जो रजवाड़े इंडिया न्यूज है उसमें जाइए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना। और आप कोई न्यूज देख करके कैसे लगा और यहाँ पर हमारे साथी युवा साथी हैं वो भी हमारे साथ अवगत होंगे कि क्या कहना चाहेंगे, दो शब्द बताइए सर। तो सर यहाँ 2-3 साल से यहाँ का वो ये गौठान निर्माण हुआ है तो यहाँ तो एक भी मवेशी नहीं दिखते हैं। हाँ। यहाँ वही सब खाली पड़ा हुआ है। हाँ। और जैसे अधिकारी आएंगे कोई हाँ। तो कहीं से पैरा वगैरह जुगाड़ कर लेते हैं, 2-4 चलते रहते हैं मवेशी, उन लोग को खेद कर ले आते हैं यहाँ और वही फिर दिखा देते हैं अधिकारी लोगों को। और बाकी तो यहाँ सब वैसी पड़ा है सर। अब ये मैं जानना चाहूँगा कि गोबर का जो इकट्ठा कर रहे हैं ना वो कैसे किलो ले रहे हैं? तो उसको लेते हैं सर यहाँ 4-5 रुपए किलो यहाँ लेते हैं। हाँ। और इसके बाद वही यहाँ से फिर अभी लेकिन अभी ठंडा पड़ा हुआ है। जी अभी नहीं ले रहे हैं। अभी नहीं ले रहे हैं और वहाँ आज तक पैसा उसका मिला है? 2-4 किस्त आ गया है शासन प्रशासन द्वारा बोल रहे हैं प्रदेश सरकार द्वारा सर। वो तो गोबर तो डेली देते थे पहले, अब पैसा वैसा आया है वो तो का पता नहीं आया है शायद यहाँ का पैसा, बाकी गोबर वोबर
अभी ठंडा पड़ा है लेकिन अभी नहीं ला रहे हैं, खिलाते हैं महिला लोग। अभी अभी फिर अभी दो चार दिन से चालू हुआ है तो अभी। और माय डियर फ्रेंड, मैं बता रहा था कि नरवा गुरुआ यहाँ तक आने के लिए ये बहुत स्वच्छ गोवा जैसे जगह है घूमने लायक, लेकिन यहाँ रास्ता ना यहाँ आने यहाँ पहुँचने के लिए मुश्किल नामुमकिन लगता है। बरसात के मौसम में कीचड़ इतना हो जाता है ना कि वो गाड़ी तो छोड़िए पैदल चलना यहाँ आगे तो बहुत दुर्दशा स्थिति। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ कभी मेरा राजवाड़े इंडिया न्यूज़ में और पब्लिक ऐप में भी बना हुआ है तो सीसी रोड बनवाएं, स्थानीय प्रतिनिधि चाहे ब्लॉक स्तर से सरगुजा अंचल पर किसी भी तरीके का, जब तक आप पहल नहीं करेंगे कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप पहल कीजिए, पूरा गाँव एक है, जुटता है, मशक्क़त के साथ बेमिसाल बनिए। हमारे हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ गांव में एक होना चाहिए ग्राम पंचायत पोपुट्रा में, मैं अभी अवगत करा रहा था। मेरा चैनल राजवाड़े इंडिया न्यूज पर आप बने रहिएगा, आपका गतिविधि आपका कमेंट का बेसब्री से प्रतीक्षा रहेगी। लिए तब तक सैल्यूट करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।